हेलो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना डेंजरस है, ये सब जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक और लकवे का चांस बढ़ जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या कम कोलेस्ट्रॉल भी डेंजरस है? क्या एक कट ऑफ लेवल से बहुत ज़्यादा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू हो जाए तो वो भी नुकसानदायक है? क्या इससे प्रॉब्लम होते हैं? क्या इसके इंपॉर्टेंट इशूज़ है और किस तरह से आपको परेशान कर सकता है? यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा अगर लो यानी एक्सट्रीमली लो लेवल्स पर है तो आज इस पर बात करेंगे हम कि क्या है हाइपोलिपिडेमिया यानी वेरी लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के फीचर्स, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो भी नुकसानदायक है, तो वैसे ही कोई भी चीज़ बहुत कम है तो भी नुकसानदायक हो सकती है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि हाइपोलिपिडेमिया यानी लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के क्या नुकसान है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कोलेस्ट्रॉल को खाली जहर जैसा मानते हैं, खाली उसको यही प्रमोट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मतलब जहर है, कोलेस्ट्रॉल मतलब बंद करना है, जीरो ऑयल खाना है। तो आज उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने का प्रयास करेंगे कि बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होना भी नुकसानदायक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एक हद तक बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते। ज़्यादातर स्टडीज़ ने ये शो किया है कि यदि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को दवाओं के माध्यम से भी अगर कम करते हैं और काफ़ी लो तक भी ले आते तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जो इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं भी या जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी स्टडीज़ में कभी प्रूव नहीं हुए हैं, इसलिए हाइपोलिपिडीमिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये सोचना गलत है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इसके लिए एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्पेसिफिक इसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जिन लोग को बहुत ज़्यादा लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रहता है उनको हार्ट अटैक होने का चांस या लकवा होने का चांस तो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन कैंसर या दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इस तरह की बीमारियां होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स के लिए और हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, सेल मेम्ब्रेन्स के बनने के लिए भी ज़रूरी होता है, तो बहुत ज़्यादा इसको कम कर लेना भी बहुत सेंसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप इसको कम करने लगते हैं तो आपको कुछ अलग बीमारियाँ होने का चांस होगा। ठीक है, मान लिया कि हार्ट अटैक होने का चांस और लकवा होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारियाँ हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करते जाएंगे फ़ायदा बढ़ते जाएगा, इनफैक्ट बहुत लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर भी आने पर इसमें बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाएगा या लकवा होने का चांस बढ़ जाएगा, ये थोड़ा कम ही होंगे। हालांकि कट ऑफ वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे जाने में बहुत एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हाँ लो होने से आपको दूसरी बीमारियाँ बढ़ने का अंदेशा हो सकता है, जैसे कैंसर बढ़ सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा ब्रेन के सेल्स को फंक्शन करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेन के जो सेल्स की आउटर लेयरिंग होती है उनका जो इंसुलेशन या कोटिंग होती है वो भी कोलेस्ट्रॉल का काफ़ी योगदान होता है उसको बनाने में। इसकी वजह से जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो आपको होते हैं ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे मेमोरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जिसको कॉग्निटिव इंपेयरमेंट बोलते हैं, जिसे डिमेंशिया बोलते हैं अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, और किसी किसी व्यक्ति को इससे डिप्रेशन भी हो सकता है। हालांकि इसको कोई क्लियर कट बड़ी स्टडी नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये एक्चुअली हर केस में होगा और हर हाइपोलिपिडीमिया वाले पेशेंट को डिमेंशिया हो जाएगा या डिप्रेशन हो जाएगा, पर ये माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत कोरिलेशन है। बड़ी स्टडीज़ इसके लिए अवेलेबल अभी तक तो नहीं है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल बॉडी में होना आपकी इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल फंक्शन करके रहे उसके लिए भी बॉडी में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का एटलीस्ट होना आवश्यक है। यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाए यानी जितनी ज़रूरत है उससे भी कई ज़्यादा कम हो जाए तो ये आपके इम्यून फंक्शंस के लिए भी अच्छा नहीं, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता भी कंपेरेटिवली कम हो जाती है, जिसकी वजह में आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस या इन्फेक्शन से रिलेटेड मृत्यु होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियाँ जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग होने का चांस जिसको हिमोराजिक स्ट्रोक बोलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये कुछ हेल्थ कंडीशंस का भी एसोसिएशन देखा गया है हाइपोलिपिडीमिया के साथ। हालांकि ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो बहुत कन्फर्मली नहीं बोला जा सकता कि कोलेस्ट्रॉल कम होने से सारी बीमारियाँ हो ही जाएंगी, लेकिन एक एसोसिएशन माना जा सकता है कि बहुत ज़्यादा लो कोलेस्ट्रॉल ये सारी बीमारियाँ, खासकर ब्रेन की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ, कैंसर की बीमारियाँ, इम्यूनिटी की बीमारियाँ कर सकता है, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ कर सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है उन लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हार्ट अटैक के मामले में डेफिनेटली ये है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना कम करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। लकवा और नलियों के ब्लॉकेजेस के मामले में आपको डेफिनेटली फ़ायदा करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल लो हो जाए, एक कट ऑफ वैल्यू से भी बहुत लो हो जाए, तब ये आपका मृत्यु दर बढ़ाने लगता है,
यानी कि कैंसर होने का चांस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का चांस, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने का चांस और लकवा होने का चांस, उल्टा ब्लीडिंग वाला बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का चांस बढ़ जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए अभी भी काफ़ी बड़ी स्टडीज़ की आवश्यकता है जो क्लियर कट ये साबित कर सके कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बॉडी के जो हार्मोन्स है जो फैट डिपेंडेंट है उनका बनना और बॉडी के बाइल एसिड जो आपके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इनका बनना भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है जिससे हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है। तो इसलिए बहुत लो कोलेस्ट्रॉल को दवाओं के माध्यम से एटलीस्ट करना सेंसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा भी सही नहीं है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है तो आप उसको बढ़ाने के लिए खूब तेल पीना चालू कर दो। एक और वीडियो में हम डेफिनेटली ये डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा कम है तो कौन कौन से यूजफुल टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरह के पेशेंट्स में बहुत तेल नहीं पीना चाहिए, वैसे केसेस में कुछ स्पेसिफिक और चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे आपका हेल्थ भी बढ़ा रहे, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज भी नॉर्मल पे आ जाए, आपको नुकसान भी ना हो, वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ ये बात करी कि हाइपोलिपिडीमिया के क्या नुकसान है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।